दशरथ भगत ने लॉन्च किया मोबाइल विसर्जन वैन, सोसाइटी गेट तक पहुंचेगी गाड़ी, गणपति बप्पा को घर के पास दे सकेंगे विदाई। संक्रमण के साय में गणेशोत्सव मना रहे श्रद्धालु अब अपने घर या सोसाइटी के गेट पर ही गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन कर सकेंगे। नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत ने एक ऐसा विसर्जन वैन लॉन्च किया है जो प्रभाग में अलग अलग ठिकानों पर दिन भर घूमेगी। गणेश भक्त इस मोबाइल वैन में ही अपने मंगल मूर्ति का विसर्जन और विदाई कर सकेंगे। इस अनूठी पहल से कोरोना से भयभीत गणेश भक्तों को बड़ी राहत मिलने वाली है। संस्थाध्यक्ष दशरथ भगत ने कहा कि प्रायोगिक तौर पर यह विसर्जन वैन प्रभाग क्रमांक 77 एवं 78 में घूमेगी, जिससे भक्तों को विसर्जन घाट या तालाब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई मुंबई शहर में आपने देखा रहेगा कि पिछले 4 महीनों से कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ती जा रहा है। ऐसे में कई बिल्डिंग्स कॉरपोरेशन ने, मेडिकल ऑफिसर ने यहाँ पे वो सोसाइटी सील कर दी है। वो सोसाइटी से अंदर कोई आ नहीं सकता है, ना बाहर कोई जा सकता है। ऐसे में गणेश उत्सव मनाना है तो कैसे मनाना है? 1.5 दिन का मनाना है, 10 दिन का मनाना है, गणपति विसर्जन के लिए कहाँ पे जाना है, ये सब सवाल जब भी एक लोक प्रतिनिधि एज ए लोक प्रतिनिधि जब भी सवाल आ रहे थे, तभी एक सोच दिमाग में आई दशरथ भगत साहब के कि लोगों को राहत देनी चाहिए, उनके घर तक हम लोग खुद कैसे पहुँच सकते। इसके लिए यहाँ पे मोबाइल आर्टिफिशियल पॉन्ड की निर्मिति की और उस माध्यम से हम उनके घर तक कैसे जा सकते, सोसाइटी के गेट के ऊपर कैसे जा सकते, ताकि गणपति विसर्जन का, श्री गणेश का विसर्जन ये उनके गेट के सामने ही हो। इसीलिए ये आर्टिफिशियल पॉन्ड जो मोबाइल आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया हुआ है, वो लोगों को घर से गेट से भी बाहर ना निकलना पड़े, इसीलिए ये आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया हुआ है। बता दें कि नई मुंबई महानगर पालिका ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने 35 तालाबों के साथ ही 123 वैकल्पिक ठिकानों पर कृत्रिम तालाब बनवाए हैं, ताकि प्रभाग के नागरिक और श्रद्धालु अपने वार्ड में ही प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकें। दशरथ भगत की यह पहल उससे एक कदम आगे है। युवा नेता निशांत भगत ने कहा कि ऐसे तमाम गणेश भक्त जो संक्रमण के डर से घर से बाहर घाट या तालाब पर नहीं जाना चाहते, उनके लिए यह मोबाइल विसर्जन वैन बेहद उपयोगी होगी। हमारे यहाँ पे 9 सेक्टर है टोटल, वार्ड नंबर 77 और 78 में टोटल 9 सेक्टर है। उसमें सेक्टर 1 और 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19 ऐसे टोटल 9 सेक्टर है। हर सेक्टर में 1 घंटा ये मोबाइल पॉन्ड वहाँ पे रहेगा। हर सेक्टर को जानकारी दी है, उनके कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिया, उनका नंबर्स दिया है। हर सेक्टर में से आज फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 5 या 10 मूर्ति हमारे सोसाइटी से आपके मोबाइल पॉन्ड में हमको विसर्जित करना है। तो हर सेक्टर को 1 घंटे का टाइम दिया है, सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये हमारा मोबाइल पॉन्ड हर सेक्टर में घूमेगा, हर सेक्टर में 1 घंटा रुकेगा। तो ये खाली 1 दिन का ही नहीं है, तो जैसे 5 दिन का गणपति का विसर्जन होता है, 10 दिन का होता है, तो ये तीनों दिन, 1.5 दिन का गणपति हो या 5 दिन का हो या 10 दिन का हो, ये तीनों दिन का ये यहाँ पे मोबाइल पॉइंट हमारा 3 दिन काम करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।